प्रेस क्लब ऑफ कुम्हारी के तत्वावधान में रविवार को वार्ड 3 स्थित मांगलिक भवन में एक दिवसीय पत्रकारिता पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में अतिथि व मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा व वरिष्ठ महिला पत्रकार प्रियंका कौशल द्वारा वक्तव्य दिया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार डी श्याम कुमार ने की। दो सत्र में आयोजित किए गए इस कार्यशाला में प्रथम सत्र में प्रिंट मीडिया से जुड़े विषय बिंदु पर मुख्य अतिथि एवं वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा ने वर्तमान परिवेश में कई चुनौतियों पर किस प्रकार स्वयं को और पत्रकारिता की अस्मिता सुचिता को सुरक्षित रखते हुए निष्पक्ष लेखन करने की कला पर अपनी बेबाक टिप्पणी से पत्रकारों में कलम की धार पर निर्भीक निष्पक्ष लेखन की ऊर्जा का संचार किया। कार्यशाला के दूसरे सत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित पत्रकारिता के सूक्ष्म विषयों पर परिचर्चा और जानकारी देते हुए भारत 24 की छत्तीसगढ़ हेड प्रियंका कौशल ने बड़े ही ओजपूर्ण ढंग से पत्रकार साथियों को संबोधित कर अपने वक्तव्य में बताया कि कोई कार्यक्रम कब कहां और कैसे होगा, फिर भी हम वहां जाकर जानने की चेष्टा करते हैं। इन परिस्थितियों में इसका प्रमुख रूप से सीधा असर जनता पर होता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता डी श्याम कुमार MCCR यूनिसेफ ने करते हुए पत्रकारिता के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि पत्रकार साथियों को निर्भीक निष्पक्ष पत्रकारिता करनी चाहिए। देखिए, कुमारी की जो कार्यशाला है, मैं इसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ और इनके प्रयासों की भी प्रशंसा है करता हूँ। मैं प्रारंभ से देख रहा हूँ, आप लोग सब जो है बहुत नियमित रूप से लगातार प्रेस क्लब को उठाने का और प्रेस क्लब के लोगों को एक रखने का और अच्छी पत्रकारिता के दौर चलाने का प्रयास करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि जो नए लोग आ रहे हैं वो कुछ सीखें। तो पुराने लोगों को, हमारे जैसे लोगों को बुलाते हैं जो चार पन्ने ज़्यादा पढ़े हुए हैं। हालांकि हम भी पत्रकार हैं, वो भी पत्रकार हैं, लेकिन हम चार पन्ने ज़्यादा पढ़ लिए हैं किताब के, तो वो चार पन्ने जो हमने आगे पढ़े हैं वो उसका अनुभव हम उनको बांटें ताकि वो पहले से ही सतर्क हो जाएं कि चार पन्ने आगे जाने के लिए क्या क्या तकलीफें आने वाली हैं, कैसा कैसा हमको करना चाहिए, क्या उसका रास्ता होता है और दिल को सुकून कहाँ से मिलता है, ये चीज़ें समझने का मौका मिलता है। जो चीज़ें मैंने आज कही हैं कि आप सबसे पहले तो अपडेट रहिए, एक ही अकेला संदेश है, अपडेट रहिए और किसी भी कौतूहल को छोड़िए मत। जैसे अभी मैंने बताया, अभी नई नई बच्चियाँ देखा मैंने पत्रकारिता कर रही है, मुझे बड़ा अच्छा लगा भी। लड़कियाँ भी अब पत्रकारिता में, नौजवान लड़कियाँ आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ हम मर्द जा नहीं पाते हैं वहाँ वो जा सकती है, तो एक अच्छा माहौल बनता है। और अपडेट रहने का मतलब ये है कि आप जब कहीं जा रहे हैं और आपको कहीं कोई चीज़ ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये बहुत मोटा विषय है कि ये क्या है, मतलब वो समाचार है, आप उसमें खोजिए कि भाई क्या है, प्रश्न पैदा हुआ, मतलब आप पता लगाइए कि वो क्या है, क्या है मतलब वो समाचार है, उसको छोड़िए मत। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि एक पत्रकार जा रहा था और अचानक बड़ी ज़ोर से बिजली कड़की और तड़ाक से ऐसा आवाज़ आई और बिजली बंद हो गई, लाइट गोल हो गई, उसने बोला बिजली गिरी होगी, हो गया उसकी निगलिजेंसी, वो घर चला गया, वो सो गया। सवेरे जब उठा, अखबारों में उसने देखा, दूसरे अखबारों में, कि उस बिजली गिरने से, वो खेत में बिजली गिरी थी, 28 मवेशी मारे गए, 2 चरवाहे मारे गए। अब कितनी बड़ी खबर को उसने छोड़ दिया अपनी लापरवाही से। इसलिए जो है पत्रकार को हमेशा सतर्क होना चाहिए कि उसके दिमाग में यदि कोई प्रश्न पैदा हुआ कि यहाँ क्या है, मतलब वहाँ समाचार है, आप खोजिए वहाँ पर, वहाँ समाचार मिलेगा। वो आपको बार बार कहेगा, वो बोलेगा नहीं आपके अच्छे अच्छी है, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा।
सभी अतिथियों का प्रेस क्लब ऑफ कुम्हारी द्वारा शॉल्स रिफल प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। साथ ही शामिल पत्रकारों को भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कुम्हारी से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।